इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदी दर्ज करते हैं और आप तमाम नाजरन जहाँ कहीं भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आप तमाम नाजरन की खिदमत में दिल की गहराइयों से हदिया इस्लाम पेश करते हैं और आप तमाम नाजरन की खिदमत में दुनिया के तमाम मुसलमानों की ख़िदमत में तमाम मुहब्बान अहल बैत की खिदमत में खसूस कराम वराज एज़ाम बिलख़स हज़रत इमाम ज़माना अजल अल्लाह तरजरीफ़ की खदमत में इन एयाम के मुनासिबत से ताज़ियत और तसलियत पेश करते हैं खुदा वंद मताल से दुआ है कि खुदा वंद मताल आपकी इबादत और तात आपकी जहमत और आपकी आज़ादारी को बहस नव कबूल फरमाए नाजरीन मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है हर तरफ़ फर्श आज़ाद बीत चुके हैं और ज़िक्र इमाम हुसैन सलाम हो रहा है और ये मुहर्रम जब आता है तो पैगाम करबला को लेकर हमारे लिए आता है जो दरवाके इंसानियत का पैगाम है और आप इस बात को जानते हैं कि हमने इस प्रोग्राम में इससे पहले सिलसिला शुरू किया था पैगाम करबला का पैगाम करबला कितनी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और जहाँ मुख्तलिफ़ पैगाम हैं करबला के उनमें एक अहम पैगाम ये है कि म के खिलाफ बरबरीत के खिलाफ बेदीनी के खिलाफ बे राह रवी के खिलाफ इंसान का क़याम करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और अगर इस सूरत हाल को देख कर इंसान खामोशी अख्तियार करता है तो ये नाकबिल माफी जुर्म है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो मदीने में कोई कुछ कहने वाला नहीं था बड़े सुकून से इमाम अलैहिस्सलाम रह सकते थे उन्होंने ऑफ़र दी थी इमाम से कहा था अगर आप चाहें तो आप मदीने में रहें और जो आप चाहें वो हम अंजाम देंगे लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको गवारा नहीं किया बल्कि जो बनी उमैया की शरारतें थी जो यजीद ने वहाँ पर ऐलान किया था इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके ख़िलाफ़ क्याम किया चूँकि जुल्म हो रहा था बरबरीत हो रही थी बेदी का हर तरफ रिवाज था इमाम हुसैन आलम ने उसके खिलाफ़ क्याम किया और दुनिया को बताया इमाम हुसैन एक ख़ुतबे में अपने इरशाद फरमाते हैं अगर इमाम हुसैन आसलम की इस तहरीक को देखना है आपके इस मिशन को देखना है अगर पैगाम हुसैनी को देखना है तो आपके फ़रामीन से देखेंगे तो इमाम तो एक खुदा फरम फरमाते हैं जिस वक्त हुर के लश्कर से आपके आपका मुकाबला होता है का लश्कर अभी सामने है और आपके जो जानेसार हैं वो सब आपके साथ हैं आपके असाब तो वहाँ पर आप एक ख़ुद बर्शाद फरमाते हैं जिसके कुछ जुमले ये हैं उसके इब्तदाई जुमले उससे पता चलता है कि इमाम हुसैन आलम की नज़र में कितना अहम था कि अगर कहीं पर जुल्म हो रहा है अगर कहीं पर नाइंसाफी हो रही है अगर बेअदालती हो रही है अगर दीनी हदूद और दीनी अहकाम पर की पाबंदी नहीं हो रही है तो हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर इंसान जो उससे हो सकता है उसको अंजाम दे अमली तौर पर अंजाम दें खासतौर पर अगर कोई हाकिम बेरा का शिकार है तो उसके मुकाबले में नहीं इख्तियार करनी चाहिए इमाम फरमाते हैं कि ए लोगों पैगम्बर ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि सल्ह वसल्लम ने फरमाया है हर वो मुसलमान जो ऐसे मोज़ोर सुल्तान या बादशाह के बिलमकबिल करार पाए जो हराम खुदा को हलाल कर रहा हो और अहदी को तोड़ रहा हो और कानून व सन्नत पैगम्बर की मुखालफत कर रहा हो और बंदगा ने खुदा के दरमियान मासीत को रिवाज दे रहा हो लेकिन उसके रवैये और तर्ज बयान और तर्ज अमल के का मुकाबला अगर वो मुसलमान न करें तो खुदा खुदांद मुताल पर वाजिब है कि वो उसे भी उस ताबूती बादशाह के साथ जहन्म के शोलों में ढकेल दें यानी जिस सज़ा का मस्तक वह बादशाह है उसी सजा का मस्तक ये इंसान है और ये माशरा है कि जो ये तमाम बुराइयाँ होते हुए देखे और उसके बाद खामोश रहे नाजरीन और एक पैग़ाम और है जिसके हवाले से आज हमें गुफ्तु करनी है ये तो मैंने इब्तदाई तौर पर आपकी खिदमत में मर्ज़ किया वो ये है कि अगर इंसान से देखिए हम मासूम नहीं हैं हमसे गलतियाँ हो सकती हैं हम गुनहगार हैं लेकिन इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए इंसान जिस वक्त भी चाहे वह अपने यानी पलट सकता है खुदा की तरफ आ सकता है हमें बताया गया है कि ला तकना तो महमत किसी मौके पर रहमत लाही से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि इंसान जब मायूस हो जाता है तो फिर उससे कुछ भी हो सकता है करबला का एक बेहतरीन पैगाम ये है कि अगर आपसे कोई ग़लती हुई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आप आए जो रहमत आलमीन है इस वक्त रहमत आलमीन का नवासा जो आलमीन के लिए रहमत है उसके सबके में अहलबैत अतार के सबके में ये करीम है और एक मिसाल मशहूर कहा जाता है कि करीमों के साथ काम करना बहुत आसान होता है इसलिए कि उनके दामन करामत में बड़ी गुंजाइश होती है तो उनसे लो लगाएं और फिर आप जो है हक़ की तरफ पलट आए तो आज गुफ्तु इसी मौजू पर होगी कि हक़ की तरफ किसी वक्त भी अगर इंसान पलटना चाहे तो पलटे कभी देर नहीं है इंसान को पलटना चाहिए कभी मायूस नहीं होना चाहिए अलहमदिल्ला आज भी इस मौजू पर जो हमारे साथ यानी जो अजीम शख्सियत है और जिनके बयान से हम कस्बे फैज़ करेंगे इन शाला वो जना मौलाना सैयद जमाल अब्बास नकवी साहब कबला हैं तो हमारे साथ रहें अपने मेहमान से मुलाकात करते हैं उसके बाद बायदा अपने प्रोग्राम का आवाज़ करते हैं किबला असल वैलकम असलम वरम्ला बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपने तमाम तर मसरूफियात के बावजूद हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला प्रोग्राम में आपको खुश आमरी दर्ज करते हैं और इन एयाम की मुनासिबत से ताज़ियत तसलियात पेश करते हैं मैं भी अपनी जानब से आपके खिदमत में हदायत टी वी के जुमला खिदमत गुजारों की खिदमत में मौलाना हुसैन आपके असाब वफा और असरा करबला के अजादारों की खिदमत में और हम सब मिलकर इमाम जमाना की खिदमत में इन गमगीन कर्बनाक अयाम की तसलीत और ताज़ियत पेश करते हैं और मैं फिर अर्ज़ करूं कि ये शुक्रिया की बात नहीं है ये तोफ़ी है हमारी हम शादत समझते हैं अपनी और मालिक की बारगाह में शक्र गुज़ार हम शुक्रगुज़ार हैं आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं खुदा कभी कि उसने ये तोफ़ी करामत फरमाई हमें कि इमाम हुसैन आलातम के जिक्र को आम करने में अहकाम इलाहिया मारफ इलाहिया और दीन और अल्लाह के नुमाइंदों के पैगाम को पहुँचाने में हम कोई किरदार निभा पा रहे हैं परवरदिगार हम सब की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ बेशक या इसमें यानी इससे बड़ी कोई शादत नहीं है वाकई बला देखिए जो पैगाम करबला का सिलसिला चल रहा है तो ये एक यानी अगर शुमार भी किया जाए तो काफ़ी हैं जो करबला के पैगाम हैं लेकिन उनमें से हमने कुछ का इंतब किया था जो आज की ज़रूरत है और आ, हमारे जवानों के लिए हमारे माशरे के लिए जो बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं जो मौजूद तो एक मौजू ये है कि इंसान मायूस होने लगता है कभी कभी उससे कोई गलती होती है कोई इस तरह का अमल सरजद हो जाता है इंसान से तो मायूस होता हुआ नज़र आता है कि मैं कैसे खुदा की पारगह में जाऊँ मैं किस तरह यानी क्या अर्ज़ किया जाए अलबत्त जब रमज़ान और मुहर्रम आता है तो ये मायूसी थोड़ी सी कम हो जाती है चूँकि दो महीने ऐसे हैं कि जिसमें लगता है कि हाँ हम जैसे गुनागारों को भी बख्शा जा सकता है तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो आज हमारी गुफ्तु का मौजू है कि हक़ की तरफ कभी भी इंसान अगर पलटना चाहे तो उसमें देर नहीं है यानी जब जागे जभी तभी सवेरा है ना जब जागे तभी सवेरा तो इसी हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप हमारे लिए, और हमारे के लिए इसकी वजाहत फरमाएं कि इसकी कितनी अहमियत है आज बिस्मान तयीन तम अलहदल्ला और करीम हिदायत टी वी के जिम्मेदारों को आप जैसे ख़िदत गुजारों और मुख़लिस इंसानों को सेहत और सलामती के साथ आ, ये खदमात अंजाम देने की तोफ़ी करामत आमद फरमाएँ इंतहाई अछूत और बेहतरीन ये मैसेज है मैं बल्कि समझ सकता हूँ कि करबला का अहम तरीन पैगाम ही ये है इसलिए कि करबला का जो बानी है जी, जो तहरीक करबला का कायद है रहनुमा है रहबर है, है। उसको उस रसूल ने जिस रसूल को खुद आलम ने आलमीन ने आलमीन बनाकर भेजा है जी, ऐसा रहनुमा बनाया है कि जो अवलिन आखरीन का रहनुमा है वो रसूल भी इमाम हुसैन आल सलासलम के बारे में इर्शाद फरमाता है कि हुसैन किसैैन हुदा व सफ़ीन यानी ये चिराग हिदायत है रास्ता इस चिराग की रोशनी के तले आने के बाद मिलेगा बिल्कुल अगर आप रास्ता तय करना चाहते हैं हिदायत पाना चाहते हैं तो ये है चिराग रोशनी यहाँ है इससे वाबस्ता होना हो और अगर आप इसके पास नहीं हैं यानी गुमराही में हैं डूब रहे हैं तबाह हो रहे हैं बर्बाद हो रहे हैं हलाक हो रहे हैं उससे निकलने का रास्ता भी यही है यानी रास्ता तय कर रहे हैं तो ये यह चिराग यही इसी के तहत हिदायत है और अगर हिदायत याफ़्ता नहीं है तो उससे गुमराही से निकलने का वाह रास्ता हुसैन है वो ज़्यारत अरबाइन के का मुझे जुमला याद आ गया आपकी इस फरमाइश पर जो आपने भी फ़रमाया कि बिल्कुल इसी को बयान किया गया है कि बदला मोहजत यानी इसलिए आपने ये क़ुरबानी दी है ताकि इबाद का तमाम बंदेकों ने खुदा ना खाली शिया वो है जो का हो, वो कोई भी हो बिल्कुल बिल्कुल हमने बांट दिया है हा, हा, हा। हम सोचते कि जो इस कौम इस कबीले इस घर इस घराने इस यहाँ पैदोश नहीं दर हकीकत जो भी हुसैन के रास्ते का पैरोकार है वो शिया है यानी हम कह सकते हैं पूरी दुनिया या तो यजीदी है या हुई या हुसैन दो ही रास्ते बिल्कुल इसलिए कि जो हुसैन का रास्ता है वही अंबिया का रास्ता है जो हुसैन का रास्ता है वही औलिया का रास्ता है जो हुसैन का रास्ता है वही हक का रास्ता है जो हुसैन का रास्ता है वही सच का रास्ता है जो हुसैन का रास्ता है वही इंसानियत का रास्ता इसके खिलाफ जो भी रास्ता है, वो है, है। हर ख्याल के लोग ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए जी यहाँ तो मजहब और दीन और यानी मिल्लत इन चीजों का वो नहीं है ये तो हर किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हुसैनी हो सकता है माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ कोई गुफ्तु का आगाज नहीं हुआ है अभी कुछ दिन पहले अरबाइन में चुके अलहमदिल्ला एक ख़ास रौनक आ गई थी वो तो कोरोना की वजह से कुछ कम रंग हो गया इंशाल्लाह दोबारा इंशाल्लाह इनशा तो अभी कुछ दिन कुछ साल पहले मैं एक प्रोग्राम देख रहा था कि वहाँ से वो एक रिपोर्टर है वो जो मुख्तलिफ़ दस्ते आते हैं मसलन कोई सिनाजनी कर रहा है कोई नुहाम कर रहा है कोई अपने तरीक़े से अक़ीदत पेश करते हैं इमाम और इस यानी इमाम और हादिय इंसानियत की बारगाह में तो वहाँ मुख्तलिफ़ मजाहिब के मुख्तलिफ यानी ममालिक के सब आते हैं तो एक दस्ता जब आया वो दस्ता था ईसाइयों का और उसमें जो है वो तमाम अपने लिबास में आगे आगे उनके वो रूहानी पेशवा जो आप पादरी कह लीजिए या जो भी थे वो आगे आगे थे तो वो जो एंकर था या रिपोर्टर था वो उनसे सवाल करता है कि आप यहाँ किस लिए आए हैं तो उन्होंने कहा कि हम भी आए हैं यहाँ पर आते हैं हम हर साल तो उसने कहा कि आप जानते हैं कि किन का रोज़ा है कहा जान के ही तो आए हैं कहा कि आप तो ईसाई हैं आप हज़रत ईसा के मानने वाले हैं और ये जो हैं ये तो हज़रत मोहम्मद के मसलन नवासे हैं उनके फर्जन हैं तो आपका इनसे क्या रबता है जो आप इतनी अकीदत के साथ इस तरीके से बरहना पा और बरहना सर पूरे दस्ते की सूरत में आए हैं तो रूहानी पेशवा कहता है कि हमारे जो हैं नबी अलग अलग है हमारे नबी अलग अलग हैं एक ईसा एक हजरत मोहम्मद है लेकिन हुसैन तो एक ही है हुसैन एक ही है मुसलमानों का हुसैन भी है हमारा हुसैन भी है कोई है ही नहीं इसके अलावा पुकारेगी हमारे, हमारे हैं हुसैन तो जो हक का पैरोकार है जो सदाकत का पैरोकार है जो अल्लाह को मानता है वो हुसैन ही है तो हुसैन चराग हिदायत भी हैं हुसैन कश्ती निजात भी हैं अब जो दुश्मन चाहता है और इंसान का हकीकी दुश्मन उसका नफ्स है शैतान भी इंसान पर हावी नहीं हो सकता जब तक कि नफ्स इजाज़त नहीं दे उसके बिल्कुल उसको अपने ऊपर मुसलत करने के लिए तो जब आदमी गुनाह करता है खता करता है कुछ उससे लगजिशें हो जाती हैं तो सबसे बुनियादी जो हमला होता है इस रास्ते से दूर करने के लिए मायूसियों का शिकार होता है और फिर आदमी जब कामयाबी से निजात से अच्छाई से बुलंदी पर पहुँचने से मायूस हो जाता है तो अब कुछ भी कर सकता है जब तक आदमी को उम्मीद हो कि नहीं मेरा कुछ बन सकता है तो एक मोहतात रहता है एक फितरत है लेकिन जब आदमी यह हो कि नहीं अब मुझे सज़ा तो मिलनी है मुझे तो मेरा बेड़ा तो अगर हो गया तो वो कुछ भी कर सकता है करबला ये सिखाती है करबला ये बताती है कि इंसान की कामयाबी कामरानी और इंसानियत इसमें है कि वो हक के रास्ते को तय करे और अगर किसी भी वजह से किसी भी सबब से बेरा का, का शिकार है तो जब भी उस रास्ते को छोड़ दे तो ये हुसैनी है और करबलाई है जब भी मौका मिले वापस पलटाए वापस यानी ये नहीं कि अब मैं तो गलत रास्ते पे हूँ हाँ। करबला तो सच्चाइयों का नाम है करबला तो सदाकत का नाम है करबला तो तकवे का नाम है करबला के यहाँ तो अल्लाह वाले रहते हैं करबला में तो नहीं ये होते हैं और मैं नहींने तो नमाज़ें नहीं पढ़ी कभी रोज़ा नहीं देखा कभी अच्छाई नहीं की मैं तो ये गुना मैं तो वो गुना मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ ये करबला सिखाती है कि नहीं सही जगह पहुँचने में कभी भी देर नहीं है बेशक हक़ की जानब बढ़ने में जो आपने लफ्ज़ कहा बिल्कुल वो नपतल और बेहतरीन है कि जब जागे तभी सवेरा हाँ बेशक जब मुतवज़ हो जाए तब ये नहीं कि अब ये कहें कि अब देर हो गई सिखाती है कि हकीकत सच्चाइयों का रास्ता भलाइयों का रास्ता नेकी का रास्ता लोगों तक अपनी खदमत पहुंचाने का रास्ता अल्लाह को खुश करने का रास्ता रसूल को राजी रखने का रास्ता अल्लाह के नेक बंदों में शामिल होने का रास्ता अपने कमाल को हासिल करने का रास्ता यह रास्ता जब इस रास्ते की तरफ मुतवज्जो हो जाए तो आदमी अपने रास्ते पर है इसलिए बस उसकी तरफ आने में देर है जब आदमी दूर है तो अंधेरे में लेकिन जैसे इस नूर से वो वाबस्ता होता है तो अब फ़र्क नहीं होता है कि जो सदियों से सा ऐसा नहीं अब हम यहाँ पर इस मुबारक मुकद्दस मस्जिद में हैं और यहाँ बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह ये बिल्कुल मनवर है हम यहाँ फ़र्ज़ कीजिए दस मिनट से हैं बीस मिनट से हैं पच्चीस मिनट से हैं आधे घंटे से हैं थोड़ी देर हुई है एक आदमी यहाँ सुबह से हो तो वो तो बहुत फायदा उठा रहा है और हम नहीं जो जब आ गया बस यहाँ से फैज उसको फैज हासिल हो गया तो करबला ये हमें सिखाती है अहम पैगाम है करबला का अहम मैसेज है करबला का करबला से वाबस्ता करबला से वाबस्ता हो गए तो अल्लाह से मिल गए करबला से वापसता हो गए तो हक से वापसता हो गए करबला से जुड़ गए तो जुल्म के खिलाफ हो गया अभी अभी तक हमने किसी जालिम की मदद की थी या जालिम को जुल्म करते हुए देख रहे थे तो खामोश नहीं थे हमारे सामने किसी का हक़ हाँ ले लिया गया तो नहीं बोल सके थे किसी को सताया गया तो नहीं कुछ कह सके थे किसी को कोई अजियत दी नमाज़ नहीं अदा की थी रोज़ा नहीं पढ़ाता सदखा नहीं दिया था खैरत नहीं दी थी किसी का ये ले लिया था किसी से भी जो भी आप बुराई का तस्वूर कर सकते हैं और ख़ुदा नाखास्त हम मुरतकीबूएँ हैं जो भी आप अच्छाइयों को तस्वूर कर सकते हैं खुदा नाखास्ता हमसे छूट गई हूँ कुछ वाजब की शक्ल में मुस्ताब की शक्ल में या ऐसे ही मुबा वगैरह की शक्ल में तो हम सोचे नहीं हम कहाँ और ये रास्ता कहाँ करवला ही सिखाती है कि नहीं अगर आप आप उन लोगों में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी विलादत ही करवला के लिए हुई है तब भी आप करवला में मोहतरम है सुबहानअल्लाह और अगर आप उस उन लोगों में से हैं कि जो ता दम मर्ग उस लम्हे से थोड़ा पहले तक दुश्मन के साथ था लेकिन आज मुतवजह हो गया और करबला वालों के साथ हो गया तो वो भी करबला कहती है कि यह हमारा है और देखें ये बात आ गई है करबला वालों के जिक्र खैर और उनका तस्करा करने के बाद तो एक जुमला मेरे एक बात एक फ़िक्र मेरे दिमाग में इजाज़ो तो कहें तो दो शख्सियतों का दो किरदारों का नाम ले मैंने शख्सियत भी नहीं की लेकिन हमारे सामाईन भी समझ गए होंगे मैं मेरी मुराद इन दोनों शख्सियतों से कौन थे और इन शाला भी कि एक हज़रत अब्बास वसम बाकायदा विलादत ही होती है इस तसूर के साथ और एक हज़रत हुर हैं जो बिल्कुल एंड मौके पर करबला वाले से वाबस्त हो जाते हैं इन दोनों शहीदों का करबला में हम ये किरदार देखते हैं कि सरकार सैदुल शहदा असलातम का जो मज़ार अकदस है तमाम शहदा गंज शहदा में आपके साथ हैं ये दो किरदार ऐसे हैं कि जिनकी खबरें भी ज़रा जुदा हैं अलग हैं बिल्कुल, बिल्कुल जिनके मज़ारत भी अलग हैं यानी दोनों ये है वैसे है, ही है इसी एहतराम के साथ यानी ऐसा नहीं है कि ये आ, अब्बा सेलमदार अलमदार हुसैनी हैं और हुसैन मौला हुसैन के जानसार में से हैं तो इनका एक बेहतरीन कुब्बा रोज़ा और ये सब चीज़ें और वो तो चूँकि बाद में आए थे तो उनको बस कबरी दे दो तो काफ़ी है ये नहीं वो भी मोहतरम हैं ये भी मोहतरम है उन उनको भी खसूसी तौर पर याद रख ये इंतज़ाम इलाहिया है मेरे दिमाग में बस ये बात आई अब जो भी, भी उसके मसाले रहे यानी तो सब बराबर हैं बराबर हैं तो यहाँ गुलाम हो आजाद हो सब हुसैनी सब हुसैनी यानी जब आप आ गए करबला में हाँ। तब से आप करबलाई हैं करबलाई सिखाती है बहुत अच्छा मैसेज है हकीकत जो हम पैगाम है करबला को पहुंचाना चाहते हैं जो हम करबला के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो हम करबला का मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं तो जब भी आदमी सच की तरफ आ जाए जब भी आदमी हक़ की तरफ आ जाए जब भी आदमी इंसाफ की तरफ आ जाए जब भी आदमी इंसानियत की खिदमत की तरफ आ जाए जब भी आदमी जुल्म के खिलाफ जहाद करने के मैदान में आ जाए जब भी आदमी अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करने में आ जाए तो अब ये ना सोचे कि मेरा तो उम्र पचास साल हो गई मेरी उम्र तो सौ साल हो गई जिंदगी तो ये हो गया अब कहते हैं क्या कहते हैं वो मसल है कि पूरी जिंदगी चूहे खाए और आखिर उम्र में बिल्ली चली है। है। तो ये गुमराहों का रास्ता है इस्लामी के खिलाफ खिलाफ है बिल्कुल खिलाफ है बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ तोबा तो वही करेगा जो गुनहगार है सही बात हैबा कौन करेगा जो गुनहगार जो गुना नहीं करेगा वो तो मासूम है बिल्कुल मासूम की जिसने गुनाह ना किए हों जिसकी ज़िंदगी में बस भलाइया ही भलाइयाँ हों जिसकी ज़िंदगी में बस अच्छा है यकीन खुदा के नज़दीक वो बहुत काबिल एहतराम है, है। उस अल्लाह का महबूब है वो तो ऐसा मजहर सिफत खुदा है कि जो सिफात उसके अंदर पाए जाती है वो थे मगर ऐसे ही नहीं कि अल्लाह को फकत यही बंदे पसंद हैं बाकायदा वो कुर मजीद में जो इंसानियत के लिए नमूने अमल और राह हिदायत और दस्तूर अमल है और किताब हिदायत है तोबा का मतलब ये नहीं कि जो हमारे समाज और बुराईयों से छाइयों की तरफ पलटना सुबह को नमाज पढ़नी थी नहीं पढ़ सके तौबा क्या है अब कजा कर लो आइंदा दुबारा पढ़ लेना यही नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं अच्छा काम किया उसकी जी अल्लाह का रास्ता जो कुछ वो हैं जो सराते मुस्तकीम पर अच्छे रास्ते पर भलाई के रास्ते पर शुरू से है कुछ बीच मेंबला सिखाती है बिल्कुल करबल सिखाती बल्कि मुझे तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ ऐसे भी बसौका औौका शहदाय करबला में भी ऐसे हैं शहदाय करबला में भी ऐसे हैं ऐसे भी हैं कि जो बाद शहादत इमाम हुसैन भी करबला से मुक्त वो हो गए जी जी ऐसे शहदा भी हैं हमने जब तारीख का मताल किया है कि जो बाकायदा लश्कर पिसर साद में थे और जंग के चूंकि इतनी बड़ी ये फौज वगैरह थी कि उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि क्या आज के ज़माने की तरह वो कोई थे सब मीडिया वगैरह के हर वक्त की हल लमे की क्या हो रहा है वो खबरें सबको हैं अब मालूम हज़ारों का लश्कर है एक टोली यहाँ एक टोली वहाँ एक टोली वहाँ और ये नहीं पता कि का हो क्या रहा है बाद में पता चला कि भाई लोग शरीक होंगे मालूम हो कि भाई वो तो शहीद कर दिए गए फला आदमी को नदामत हुई तो उसके बाद मौला की शहादत के बाद भी एकदम से वो क़्याम करते हैं और जी मैं ये अर्ज करूंगा माफ की जगह जैसे अभी आपने फरमाया कि हो सकता है कि मसलन बहुत से जो पूरी जिंदगी उन्होंने गुजारी और बहुत कोई हो सकता है कि एक लम्हे के लिए आए हो यानी जो कहा जाता है ना कि यहाँ पे जो है वो कसरत मिलाक नहीं है यहाँ पे वो पाकिजगी ये जो पलट रहा है आदमी ये जो पलट रहा है ये जो पलट रहा है वो किस बुनियाद पर एक जर्ब जो है वो सकलेन की इबादत पे भारी हो जाए जी 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 एक जी 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 लेकिन खुलूस लम्हामहे का फैसला बिल्कुल बिल्कुल करोड़ों साल लाखों साल इबादत की है जी जी, लेकिन लम्हे में वो फैसला गलत कर बैठा वो वहीं से सब खत्म हो जाता है मौला मीर उमी हजरत फरमान की रोशनी में कि इससे बड़ा इबादत गुज़र गुजरा ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल मलून रजीम से शैतान से लाखों बरस ये खिताबत या ऐसा कुरान बना ये मौला अली सलाम का फरमान है कि लाखों बरस ने जो बलागा में आपने फरमाया लाखों बरस इसने इबादत की अल्लाह के सामने सजदा किया सब झुका रखा लम्हे में ये नहीं फैसला कर, कर सका कि इस वक्त मुझे क्या करना है तो उस बारगाह इलाही से निकाल दिया गया वो वो मकाम व मंजिल जो अल्लाह के यहाँ जो रुतबा जो इसका था वो ख़त्म हो गया इसका और कभी कभी क्या होता है कि आदमी गलत रास्ते पर है गलत रास्ते पर है ऐसे गलत रास्ते पर है ऐसे गलत रास्ते पर है कि जो जन्नत का सरदार है आदमी कोई भी काम क्यों करता है कम से कम मुसलमान इसलिए करता है कि जन्नत चला जाए तो हुसैन के मुकाबले का जो लश्कर था मुसलमान तो था जन्नत जन्न को तो समझता था तो इतना अहम काम कि जो सरदार जन्नत है खुद उसी के लजाम लजामे फरज पहात सब कुछ इतने बड़ा गुनाह इतनी बड़ी खता इतनी उसका रास्ता रोका है उसकी ए, उसको मुश्किल का शिकार बनाया है उसको परेशानियों में मुबतला किया है उसके बच्चों के लिए परेशानियां तो शैतान के कैसे कैसे वस वे होंगे अब कहा अब तो देर हो गई अब जाओगे भी हुसैन के पास तो क्या होने वाला किस मुंह से जाओगे किस और कहीं अरे भाई कहीं ये अच्छा लगता है कि तुमने तुम्हारी वजह से तो हुसैन शिका कितना शैतान ने बहकाया होगा लेकिन हुर ने उस मौके पर एक एक भी नहीं सुनी अपने नफ्स की और शैतान की और ये जुरत अगर है तो यही है एन, जो हुर आजाद है यही हमारे लिए बेहतरीन यही जुरत है कि अगर भी 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 खता कर सकते हो अगर गलती कर सकते हो अगर इश्तबाह का शिकार हो सकते हो अगर मासीत कर सकते हो तो इतनी शजात तो हो इतनी जरूरत हो इतना कम से कम आपके अंदर कि उस बुरे काम से पलट के की तरह भी कर सको इतना तो होना चाहिए और फिर मारिफत भी है इनकी कि ये कौन है ये तो वो है कि अपने कातिल को जो है वो शरबत पिलाते हैं ये नहीं इसीलिए आया है हाँ इसीलिए आया मैं गुनागार तो बहुत बड़ा हूँ लेकिन ये

क्यों सबकत रहमत हो गबा ये मत देखो कि मैंने गुनाह कितने ज्यादा किए हैं ये देखो करीम कौन है बख्शने वाला कौन है किसके दरे रहमत पर आए हो किसके दरगाहे करम पर आए हो किसकी ड्योड़ी पर सर झुकाया है तो अगर इसको बिल्कुल मारफत थी उसको मारफत थी वो एक दुआ भी है मफाती में उस के अरबी जुमलात तो मुझे याद नहीं लेकिन उसका तर्जुमा यही है जो आपने फरमाया यानी दुआ करते हैं कि खुदाया मैं बहुत गुनाहगार हूँ मैं इस लायक नहीं हूँ कि तेरी रहमत तक पहुँच सकूँ लेकिन तेरी रहमत तो इस लायक है कि मुझ तक पहुँच सके बिल्कुल 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 यानी मैं वाक अलबत् उसकी रहमतें बिल्कुल खुदा शुदांद मुताला हमें भी तौफीक दे कि हम भी उस मकाम को हासिल कर सके इस तरह पलट सकें जो पलटने का हक हाँ है किबला हजरत हुर के हवाले से आपने जो है यहाँ पे एक बड़ा अच्छा इशारा दिया नमाज के बाद ये ताकि पढ़ना चाहिए जी जी बिल्कुल बड़ी वासे है तेरी मफरत तो फैली हुई है ठीक है मैं इस काबिल नहीं हूँ जी जी तेरी रहमत तक मैं मुस्तक के रहमत नहीं लेमत तो और किसी तक पहुँचर कहीं पहुंच सकती है सुबह बिल्कुल बिल्कुल तेरी रहमत तो और किसी तक पहुँच बोला ये जो अभी आपने बताया कि इतना बड़ा यानी इतन, गुनागार और ऐसी जसारत करने वाला कि सब कुछ जानते हुए ये भी जानते हुए कि ये जन्नत का सरदार है और उसके लजाम फरस पर हाथ डाल देता है तो इधर से भी जो उसको मिलता है इमाम हुसैन स्ल्लाम ने एक अजीब तमगा दिया एक अजीब एजाज अता फरमाया हजरत हूर को जो किसी को नहीं मिला एक जुमला फरमाया कितर फित दुनिया वाला आखिर तो यानी इसी की आप के आप वजाहत फरमाएं कि जो ये पलटे हैं तो पलटने का जो इनाम इमाम की तरफ से था और ये इसका क्या मतलब देखें है? बहुत अच्छी बात कि यानी ये खुलास दास्तान हर आलाम है या आप देखें इमाम हुसैन अलतम मैंने जैसे शुरू किया ये मिसबाही हिदायत हैं बेशक ये चिरागे हिदायत हैं ये कश्ती नजात हैं ये बदला लेने के लिए कोई आए तुमने मेरे साथ ये क्यों मुझ... अच्छा तो मैं अभी बताता, बताता हूँ औकात दिखाता हूँ तुम्हारी मैं जन्नत का सरदार हूँ अब आके दिखाना हुँ। हुँ। हम जैसे यही तो करते हैं हम जी जी इनको भेजा हिदायत के लिए हुसैन हुर के पाकिजगी कल्ब का अंदाजा तो वहां लगाते हैं जी। जब देखें रास्ता रोकने के लिए आज दो मुहर्रम है जी जी परवरदिगार हमारी अज़दारी को गिर्या मातम नौ मातम को कबूल फरमाए इंमाम हुसैन अलैहि का कारबान करबला की तरफ रवाना हुआ जी जब आपको खबर हो जाती है कि मुस्लिम नकील की शहादत हो गई तो आपने रास्ता अपना बदल दिया कुफे से इराक की जमीन का वो होता है जी हुर से मुकाबला होता है तो ये मौला को जबरदस्ती ज़ाद और उन तक पहुंचाने की कोशिश करता है ये सब वाकयात है पेश नजर में बस देखना चाहता हूँ तो मुलाकात भी किस कैसे मरहले में होती है कि भूख प्यास है बिल्कुल अगर मौला उस वक्त लश्कर हुर को पानी ना पिलाते तो लड़ाई तो की जरूरत ही तो वहीं खत्म हो गई थी पता कोई जरूरत नहीं वो अपने तो रास्ते पे जा चुके पोजीशन जो तारीख ने बयान की है वो ये थी कि इंसानों की बात तो छोड़िए जानवर ऐसे थे कि अगर पानी नहीं मिलता तो मर जाते जी बिल्कुल खुद लश्करे हुर में शामिल فرد कहता है कि بھوک प्यास سے میں ایسے تھا کہ جب پانی یعنی مجھے دیکھا کہ میں पानी से प्यास से बिल्कुल जहां पर लू तो सरकार शहदा अपनी कुर्सी से उठ के खुद बे नफसे नफीस आए और मशक्जे का दहाना खोल के मुझे पानी पिलाया है तो उस मरहले में जब पानी पीना चाह रहा है तो पानी हाथ में कप को पट के रुक नहीं पा रहा है मुंह तक पानी ले जाने तो आपने खुद अपने से दस्ते, आपने दस्ते मुबारक से, से पानी पिलाया तो ये ये तो थोड़ी देर ना रुकते तो जंग तो अगर दुश्मन को सिर्फ मात देनी थी जी जी उसके बरखिलाफ फता पानी होती हिदायत मद्देनजर ना होती तो हुसैन कुछ भी कर सकते थे हुसैन ने पहले तो मरते हुए लश्कर को जिंदा किया अल्लाह बिल्कुल जहां बलब और जिंदगी से को खैर बात कहने वाला जो दुश्मन इस वक्त बज़ाहिर मौके पर आया हुआ है उसको कुव्वत दी ताकत दी संभाला दिया जी और फिर जब बात आत होती तो कहा इस चक्कर में पड़ो तुम मैं मैं कहाँ तस्लीम होने वाला हूं? सब कुछ बात होती है और फिर आ, बात बाद गुफ्तु के दरमियान ही आप वो आ जाता है मौके नमाज तो आपने फरमाया कि भाई वक्त नमाज है आप भी नमाज़ पढ़िए मुसलमान तो है कम से कम बहस तो इसीलिए करने आया है कि ईजी खलीफा है और आपको उसकी उसके ख़िलाफ़ नहीं उठना चाहिए और वो यही तो है जी आप भी तुम भी जाओ नमाज़ पढ़ो हम भी पढ़ते हैं देखते हैं कई बातें बाद में जुमला कहता है आपके रहते हुए हम अलग नमाज कैसे पढ़ेंट्ल ये गौर करें बिल्कुल यानी ये पाकिजगी कल बता रहा ठीक है आज ये इंसान किसी और जगह है मेरे खिलाफ है हमारे खिलाफ है लेकिन ये तो आदमी अपना जी जी ये कहीं और किसी और खेमे में है कोई और काम कर रहा है लेकिन ये अंदर से तहारत कल पाकिजगी दिल और ये सफाए बातिन को बयान कर रहा है मौला के पीछे नमाज पड़ी, बेशक अब पढ़ने के बाद फिर जब आया तो रास्ता रोक दिया तब तो, तो थोड़ा चाहिए था मौला ने फिर एक हसास जुमला सकलत का उम्मो का ये बहुत बड़ी बात थी तो जवाब भी क्या देता है आका अगर आपकी वालिदा और माँ आपकी मदर सिद्दीका ताहिरा यानी गोया वो जानता है अजमत का कायर है शहजादी के वकार को जानता है बेशक सारे होते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद चूंके जनाब से मौलाना माँ का नाम लेके मुमकिन है इससे अजमत जहरा की बुनियाद पर जरूर ये जुमले जरूर कहे हुँ। हुँ। हुर ने कि आपकी माँ तो इसका मतलब ये है कि माँ के, मा के सिलसिले से हुर हसास हैं। तभी तो कहा अगर आपकी माँ मैं क्या कुछ कैसे कह सकता हूँ वो ना होते तो, होती तो दु, फिर दु, जो सलाम के अलावा कोई तो यानी गोया हुर को अच्छा लगेगा माँ के सिलसिले से, से अगर कोई अच्छी बात कही जाएगी तो जब पूरे वाक़ात गुजरने के बाद और हुर का आखिरी मौका होता है और आप बाली पर हैं और आपका असर है तो रुमाल जहरा सलाम आपकी पेशानी बांध के आप क्या कहते हैं मौला इमाम हुसैन से कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा कितना अच्छा नाम रखा है यानी तुम जब जहाँ रहे कितने आज़ाद थे यानी हर फैसले में तुम आजाद रहे यानी आजादी यह है कि कभी भी आदमी अपने फायदे के फैसले करने में झिझक महसूस ना करे जी वा, यानी वाकई तुम्हारा नाम हो रहा है जब तुझे वहां रहना था तो उस लशकर में था और जब तू हक का साथी हक समझ में आ जाता है तुम्हारे सच्चाई समझ में आ जाती है राय हिदायत तुम्हें दिख जाती है तो बिल्कुल ये आजाद मर्दी है आदमी के लिए मर्दानगी है आदमी के लिए वरना कितने जनाना मिजाज होते हैं देखें उसमें जंग में मरहब जब मौला अली मौलासात के ख़िलाफ़ आया और मौला ने उसको समझाया जब उसने अपनी माँ और इन सब का जिक्र किया और फिर मौला ने बताया मेरा नाम यह है तो कहा तेरी एक अच्छी मैंने बात सुनी है कि जब तेरे सामने शर्तें रखी जाती हैं तो तीन में से एक को जरूर मानता है तो है. जो मौला ने रखी ताकि उसको हिदायत वगैरह वगैरह ये सब बातें करने के बाद तो एक जुमला मौला ने उससे जब कहा कि तू वापस चला जा मैदान से वापस तो क्या कहता है कि औरतें मुझे बुरा भला कहेंगी यानी कितना कमजोर इंसान है जो तलवार यानी हाथों का तो इतना मजबूत है हाथों का तो इतना मजबूत है कि तलवार ऐसी चलाएगा कि दुश्मन को भाई मानी ठीक है मीरुल तो के मुकाबले पे, पे कुछ नहीं ठीक है मीरुल मोमिन के मुकाबले पे कुछ नहीं है लेकिन मरहब यानी पहलवान था मरहब यानी जंगजू था मरहब यानी एक ताकत अरब के चंद गिने चुने लोगों में था लेकिन कितना कमजोर था कि वो मामूली सी गली की औरतों के तानों के मुकाबले पे उसको लाल नहीं है ला उसकी ताब नहीं ला सकता बिल्कुल ये कैसी आजादी है ये तो बिल्कुल गुलामी है इसीलिए कहा गया है कि दुश्मन के मुकाबले पर मैदान जंग में जिहाद करना ये जिहाद असगर है नुफस के खिलाफ जिहाद करना जिहाद अकबर है करबला ये सिखाती है करबला ही बताती है कि आजादी वो ही है आजादी कि आदमी को जब सवेरे की किरण नजर आने लगे तो अंधेरे को छोड़ के रोशनी की तरफ चला जाए बेशक ये तेरी माँ ने तेरा नाम इतना अच्छा रखा है कि तू तो दुनिया में भी आजाद है करबला का यही मैसेज है कि आप कम से कम यही तो कहा था मौलाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी करबला में जहां हुर को हुर्रियत का नमूना बनाकर मुबारकबाद पेश की और तगमा दिया है वहां जो मौला के बरखिलाफ आए हैं तो उन्होंने कहा अगर तुम इंसान नहीं तो कम से कम मुसलमान नहीं हो तो आज़ाद इंसान तो बिल्कुल दुनिया को वो भी तो कम से कम अपनी आजादी का तो सबूत पेश करो बेशक यानी अगर तुम्हें लड़ने के लिए भेजा भी है अगर मुझे कत्ल करने के तो बच्चों का पानी बंद करना बच्चों को प्यासा रखना अपनी अकल और दिमाग और फिक्र और शुरू को माफ कर देना ये कौन सी मर्दानगी है ये कौन सी आजादी है ये कौन सी आजादगी है ये कौन सी हुर्रियत है बेशक बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि जी जी। ये बताती है कि इंसान अपनी जिंदगी में आजाद रहे इंसानुर सबूत दे बेश और इसमें है आदमी अपने फ़ायदे के लिए अपनी दीनी दुनियावी मादी मानवी दुनियावी उखरवी फ़ायदों का वक्त फ़ैसला ले सके उसमें कोई भी कुव्वत उसको माने ना हो सके और जब भी वो राह बातिल और गुमही के रास्ते से नेकी के रास्ते की तरफ बढ़े तो वही उसके लिए और यहाँ से अब हम अपने इसकी तदबीर भी करते हैं जो हमारा मौजूद था कि किसी वक्त भी अगर इंसान हक की तरफ पलटे तो देर नहीं है हजरत हुर किस मौके पे यानी तमाम रास्ते बंद हो चुके थे यानी अब अगर वो सोचते हैं कि मैं लेके आया हूँ इन्हें करबला तक मेरी वजह से, भी से भी पानी बंद है मेरी वजह से सब के सब इस मुश्किल में गिरफ्तार है तो फिर कुछ नहीं हो सकता वो बिल्कुल दूसरे और उसकी तरह हाँ। खत्म ज़... देखें बल्कि कुछ ये... ने कहा भी कुछ ने कहा शायद पिछले साथ का ही जुमला था कि हुर तुम ही जिम्मेदार हो जी चीज के और पहला तीर भी अब तुम ही चलाना पड़ेगा जी, और तुम जा रहे हो यहाँ से जी, जी लेकिन हुर ने कहा कि नहीं 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 अब मुझे समझ में आ गया हाँ अब मुझे समझ में आ गया देखें बहुत सौ का ऐसा यानी मौका मिल सकता था और मिला तारीख में लेकिन हरन मर्दान की कई ये बहुत मैंने प्रोग्राम के में आपसे जिक्र किया जो है नहीं ये जो कहा गया मायूसी कुफर है जी कहा गया है कि जब आदमी की नज़र में रहमत इलाहिया होती है तो मायूस नहीं होता मायूस नहीं होता तो कभी भी हक़ की तरफ आने में देर नहीं होती बहुत बड़ा मुश्किल बहुत बड़ी मुश्किल है और हमारे लिए ये मैसेज है पैगाम है करबला का ये हमारे लिए दरस है ये हमारे लिए सबक है कि हम राह करबला को अपनाने में जी आज तक अगर हम कभी भी कुछ नहीं मैं आपसे यहाँ पे ये यह सवाल करना चाहूँगा चूँकि आज दो मुहर्रम है और दो मुहर्रम में जो मामूला हमारे यहाँ जिक्र भी होता है वो तो हज़रतर आल्लाम का भी होता है उसके साथ साथ ये कि इमाम हुसैन किमाम का वरूद जो करबला में है आप करबला तशरीफ लाए हैं और आज ही से ये करबला जो है एक पूरा यानी मार क़ाब हमारे सामने है चूँकि वो वाक़ है जो दस मुहर्रम को रोनुमा हुआ, हुआ लेकिन हमारे यहाँ जो करबला कहा जाता है खाली उस चंद घंटों के उसका नहीं है बल्कि पूरा एक यानी जो तहरीक है उसमें हर दिन का एक खास किरदार है इसके हवाले से आप क्या हमारे नाजरन को पैगाम देखें देखें मैंने कल के प्रोग्राम में एक बात कही थी कि करबला को एक हंगामी जी हादसा नहीं है बेशक बाकायदा एक तदबीर है हिदायत उम्म के लिए ये जो इंसान को इख्तियार देकर जन्नत और जहन्नम की रहनुमाई करके जन्नत के रास्ते की तरफ तरगीब दी गई है तो करबला के इसमें बहुत बड़ा एक रोल है तो यूँ यह आफाक़ी तहरीक है इब्तदाय आदमियत से और क़यामत तक के लिए एक दुश्मन अपनी साजिश और रहमान की अपनी एक तदबीर कि किस तरीके से इंसानों को राहदाद पर लाया जा सके तो यूँ तो अजल से और आज भी करबला के असर हैं यानी करबला चल रही है आज भी करबला इसीलिए जारी है देखें हम ज़ारत आशूरा में और जारत वारसा में या करबला वालों की मुख्तलिफ़ ज़ारतों में जुमले कहते हैं कि मतन कतलत का वानतल का, का फराग अतब जो सुने और इस पर राज़ी रहे तो जिस तरीके से कतिल जिस तरीक़े से ालिम इसी तरीके सुनने वाला भी इसी तरीके से जिन तक पैगाम करबला पहुंचे और वो मुतासर ना हो यानी उसको करबला सुनने के बाद या अपन खुद को इमाम हुसैन के लश्कर से वापस्ता करना है यजीद के लश्कर की तरफ जाना है तो अगर इधर आ गए तो उनके सब उनके उसके में जिहाद में शरीक है वरना तो सब उधर है और जब उनके जहाद में शरीक है तो करबला वालों का जिहाद पता है जी जी करबला क्या सिखाती है अपने यानी साबुन सामुसैनी के कौन होते हैं सारे हुसैनी कौन होते हैं नुसरत करने इमाम हुसैन ने यह इसीलिए कहा था हल में ना और या फिर दुश्मन के साथ हैं तो उस लानत का मुस्तक है तो करबला ये जो यानी दो ये तो आफाक़ी है अजल से और अबद तक है लेकिन खुद वो वाक़ और हकीक़त जो शुरू होती है फिर अट्ठाईस जब से और फिर उसका करबला में खात्मा दस मोहर करबला में दस मोहरम को शहादत पे सन इकसठ हिजरी के और उसके बाद असारत से एलबैतरत में शुरू होता है तो दो दो मुहर्रम का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें आप ही देखें अनहोनी या ऐसी होती हैं बिल्कुल जिससे सामने वाले को खुद ही देख लेना चाहिए मौला जब ज़मीन करबला में वारिद होते हैं गुर की कोशिश ये कि रोक ले और मौला अपने रास्ते को चलते हैं लेकिन एक वक्त वो आता है कि जब घोड़े ने अपने कदम रोक दिए हैं। तो समझ गया, अब जगह आ गई है, लेकिन दुश्मन को तो जो बात घोड़े समझते हैं वो घोड़े का सवार नहीं समझता है, वो, इमाम है। वो बताना चाहते हैं कि देखें ये हमारी मंजिल आ गई है ये हुर ने हमें यहाँ रुकने पर मजबूर नहीं किया है इस प्रोग्राम को लिखने वाले इस किरदार को निभाने वाले हम हैं ये यजीद के फिक्र शोर में ना हो के यहाँ घेर के लाकर हमें मजबूर बनाकर ये जो कर दिया है। नहीं करबला लिखी जा रही और फिर कायनात के वो मालिक जो जमीन का लेकिन मौला करते है, है इसमें पूछते हैं ए, अभी मैंने अपने लोगों को, लो, लो को अतराफ में लेके पूछे इस जमीन का मालिक कौन है भाई ये घोड़ा तो नहीं जा रहा है नहीं ये हमारी जमीन बायदा आप ज़मीन करबला की खाक उठाते हैं उसको सूंघते हैं और फिर कहते हैं यही वो जगह है जहाँ हमारा मखतल होगा यही वो जगह है जहाँ हमारे बचे हुए लोग असीर बनाए जाएंगे यही वो जगह है जहाँ हमारा खून बहाया जाएगा यही वो जगह जहां यह है जहाँ हमारे ये सब फ़रामी मौला के मौजूद हैं जी तो जब जगह यही है तो अब इस जगह हुसैन यूँ तो मालिक कायनात है हुसैन जी अल्लाह की ममलकत का अल्लाह ने अपने नेक बंदों को इसकी सल्तनत खलीफा तो बनाया है खलीफा, खलीफा बनाया जानशीन है जानशीन बनाया है उस पर इख्तियार दिया है मालिक ने लेकिन फिर भी जाने के बाद आप जमीन को खरीदते हैं बिल्कुल। जो हमें मैसेज यहाँ मिलता है कम से कम करबला से और इस दो मुहर्रम के भी हवाले से कि आदमी को अपनी जिंदगी का जहाँ प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में उसे कैसा रहना है वो कहाँ उसको दफन होना है कहाँ उसको जान देनी है उसके लिए भी अपनी तरफ़ से इंतजाम करके जाना चाहिए बेशक और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये करने के बाद ज़मीन ख़रीदने के बाद खयाम वगैरह लग भी जाते हैं दो मुहरों के बाद जब बात आती है तो यहाँ आ, जब दुश्मन की तरफ से बात आ जाती है मोर चुके लेके बिल्कुल नहर अफरत के करीब बच्चों के ऐसे आश, आसाइश के तौर पर हर अकलमंद आदमी का क्या ज़िम्मेदारी कि जब वो कहीं पे पड़ाव डाल रहा है कहीं रुक रहा है तो ऐसी जगह का इंतखा करें ना जो उसकी ज़िंदगी की सहूलत की हो मोर ने ऐसी जगह नहर और नहर के उसमें सब ये सब किया लेकिन दुश्मन आके कहता आप आई हटाइए ज़मीन मेरी मैंने खरीदी है उसको सब कुछ कर दिया है दुश्मन आने के बाद हटाइए, जबरदस्ती वो कब्जा कर रहा है और आपको हटा रहा है और शेर ने भी तलवार निकाल ली है, और बिलफर्द यहाँ पर ऐसा आ, यहीं पर अगर करबला शुरू हो को जाती तो ये दुनिया पर मादा प्रस क्या लिखता यही लिखता ना कि जागीर की लड़ाई जमीन, जमीन का झगड़ा था और ये सब करबला कम से कम ये दो मुहरम और इस अतराफ़ की यानी हमें तारीख़ करबला ये हमें मैसेज देती है और ये बयान करती है कि अपने अहदाफ और मकासद को हासिल करने के लिए इतनी हमत और इतनी बलू फिक्री होनी चाहिए कि दुश्मन उससे सो इस्त करके दूसरा कोई गलत ऐसा प्रमाना ना कर सके कि जो हमारे आदाफ हैं वो तो हासिल न हो दुश्मन अपने हदफ तक पहुँच जाए बेषक आप तो ये करबला के इसबाक हैं नूरानी इसबाक हैं जो हमें इस बात की तरफ मुतव करते हैं दो महरम के जो हम ज़िक्र में हैं चूँकि जहाँ हम करबला के वाक़ात की तहलील कर सकते हैं वहाँ ये ऐसी करनाक मुसीबत का दिन है कि जब ख़याम हुसैन इबन लग जाते हैं और बीबी अपने में जाती हैं। तो जैसे आप जाती हैं तो एक हवा का तेज झोंका आता है और आपके सर से चादर हट जाती है। और जो गर्दो गुबार है आपके सर पर आ जाती है और आते ही आपके ऐसा धचका लगता है और रिक्कते कल्ब तारी होती है और ऐसे संगीनी का एहसास करती हैं कि फिजा को फौरन बुलाती है और कहती है कि जाओ आ, मा जाए को मेरे बुलाओ मौला बुला मौलासैन आते हैं तो कहती हैं बीवी कहती हैं कह रहा था भैया तो आपने फरमाया कि बस यहीं ठहरना है देखते हैं इरादाही क्या भैया क्या मुमकिन नहीं है क्या मुमकिन नहीं है कि हम यहाँ से चले का बहन क्या हुआ का भैया जब मेरा कदम इस सरजमीन पर पड़ा इस खेमे में आई तो मेरे साथ ये हादसा हुआ और इस खेमे के इस जगह के गोशे से किसी बीवी के ऐसे रोने की आवाज़ आती है कि जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने बेटे को रोती है और बस मेरी ख्वाहिश यह है कि अगर हो सके तो यहाँ से चलें मौल हुसैन फरमाते हैं कि बहना हमें यहीं ठहरना है ये जिस बीबी की तुम आवाज़ सुन रहे हो भी ये कोई और बीबी नहीं है ये हमारी और तुम्हारी माँ फ़ातिमा जहरा सलम की सदाए गिरिया है कि जब से हमने मदीना छोड़ा है और फिर मक्का छोड़ा है और जब आए हाँ हैं वो हमारे साथ हैं और हमारे गम में और हमारे मुसीबतों में हमारे साथी हैं और जिस तरीक़े से हम मुश्किल का शिकार हैं फीबी फातिमा ज़हरा ने अपना घर और अपनी कब्र और अपने दयाल को छोड़ दिया है और हमें यहीं रहना है हमें यही कुर्बानी पेश करनी है हमें यही अपने मालिक के बारगाह में जाना है तुम्हें बर्दाश्त करना है आज चादर ने तुम्हारे सर से सरक कर ये इशारा दे दिया है कि अभी तो तुम्हारे सर से चादर सरकी है यही वो सरजमीन होगी कि जब ये खेमे भी न रहेंगे और तुम बेमकन चादर हो जाओ तो अल्ला तो कबला बहुत शुक्रिया खुदांद मतलब खूबी से तो सलामती फरमाए आपकी तो आपसे इजाज़त चाहते हैं नाजरीन हमारा ये प्रोग्राम भी अख्तिताम तक पहुँचा दो मु मुहरम है इमाम हुसैन आल्म का हर तरफ तस्करा हो रहा है लेकिन जो असल पैगाम करबला है वो यही है कि हमें किस तरीके से दीन के ऊपर अमल करना है कोई भी हालात हो किसी तरह के भी जैसे अभी हमारे मेहमान ने भी बताया कि इमाम हुसैन का पैगाम ये था वहाँ आने के बाद करबला की ज़मीन पर ज़मीन को ख़रीदना और फिर उसके बाद जालिमों का आना और इस तरीके से तो ये दो किरदार हैं एक यजीदी किर... एक हुसैनी किरदार है और एक यजीदी किरदार हुसैनी किरदार ये है कि जो चीज़ भी लेनी है जबकि वो मालिक कुल है पूरी कायनात का इख्तियार उनके पास है हर चीज़ का मालिक वो है लेकिन उसके बावजूद उसके पैसे अदा करते हैं और उस यानी उसको बाकायदा खरीदते हैं और जो जालिम है जो दुश्मन है वो ये भी नहीं सोचता कि ये किसकी मिल्कियत है वो वहाँ पर आने के बाद उसको जो है यानी बाज़ोर और ज़बरदस्ती उसके ऊपर कब्जा किया जाता है हम अपने आप को देख सकते हैं हम जो अमल कर रहे हैं कि हम किस तरफ हैं हम हुसैन की तरफ हैं हम यजीद या, या, की तरफ है जैसे हमारे अमाल हैं अहकाम इलाही के ऊपर हम कितनी पाबंदी कर रहे हैं क्या वाकया हम यानी इमाम हुसैन आसलम के उस मिशन को जिंदा कर रहे हैं जो दीन इमाम ने अपना सब कुछ कुर्बान करके बचाया है उस दीन की हम कितनी पासदारी कर रहे हैं उसकी कितनी हिफाज़त कर रहे हैं उसके ऊपर हम कितने अमल पैरा हैं ख़ुदा बंद मताल से दुआ है कि वो हमें तोफीक दे कि इन शह हम इस तरीके से ज़िंदगी गुजारें कि इमाम हुसैन आसलम हमसे राज़ी हो सकें नाजरीन यहीं पर आपसे इजाज़त चाहते हैं खुदा वंद मताल से एक मरतबा और दुआ करते हैं कि इन शाला आप हजरात की इबादत और जहमत और रजादारी को बहस ने फ़रमाएँ इजाज़त दीजिए अपना ख्याल रखिएगा हमें दुआओं में याद रखिएगा खुदा हाफिज़ मुजरे खल्क में इन आँखों ने क्या क्या आ, देखा मुझ रहे खल्क में इन आँखों ने क्या क्या पर कहीं सीपते पयम पय बरसना आका आ देखा मुजरे खल्क में मैंने देखा ल में शाह को आलूदू मैंने देखा अलमे शाह को आलूदू मैंने आ स कोबे जा लभ दरिया आ देखा मुजरे खल्क में मैंने देखा अलिए का गला खून में तर मैंने देखा अलिय का गला खून में तर मैंने जख्मी अली अकबर का कलेजा आ देखा मुझ रहे खल्क में एक गठड़ी शहदी पोस्त पे लाए जिसमें एक गठड़ी शहदी पुष्ट पे लाए जिसमें मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा आ देखा खल तुम्हें बेरिदाखल ने उस बीबी के सर को देखा जिसकी मादर का किसी ने ना जनाजा देखा मुझ रहे खल्क में जाके से अपने मदीने में कहा सुगरा से जाके के जैन मदीने में कहा तो सुगरा से कहूं किसी मुंह से के परेश में क्या क्या, क्या आ देखा, तो देखा। मुजरे है तो क्यों ना तो हो गई तो कूरिए तो इन आंखों ने कैद में ने ना का जनाजा आ देखा क्या आ देखा पर कहीं सीपते पय सना का आ देखा